नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और ये खबर हम कार लवर्स के लिए लेकर आए हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो साहा और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, जिनको टाटा, जिसे कि सबसे मजबूत गाड़ी माना जाता है, टाटा के जो कार प्रेमी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि टाटा ने अब साहा में अपना शोरूम लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये शोरूम हम आपको दिखा रहे हैं, मेट्रो मोटर्स का शोरूम है जो कि टाटा ने साहा में लॉन्च किया है। साहा में पहले ही जो है लगभग सभी गाड़ियों के शोरूम थे, बस अगर कोई कमी थी तो वो टाटा के शोरूम की थी। और खुशखबरी ये है कि टाटा का शोरूम अब साहा में लॉन्च हो चुका है। कह सकते हैं कि इसके 40 किलोमीटर के रेडियस के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। और अच्छी बात ये कि आप देख सकते हैं कि आज पहले ही दिन जो है, ये देखिए हम आपको दिखाएंगे वहाँ से लेकर, पहले ही दिन जो है ये जो गाड़ियाँ हैं ये कस्टमर्स को डिलीवर भी की गई हैं। बाकायदा पोस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर दिग्विजय फॉर पंच, अगली गाड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रदीप कुमार फॉर पंच। तो कहीं ना कहीं टाटा की ये जो 8 गाड़ियां हैं इन्हें आज डिलीवर भी किया गया है। फिलहाल मेट्रो मोटर्स के जो ओनर हैं वो हमारे साथ हैं। मानव जी, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको नए शोरूम के लिए। क्या पहले ही ऑलरेडी जो है वो शोरूम था, क्या पर्पज़ था यहाँ शोरूम खोला? जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, पिछले 1.5 से 2 सालों में टाटा मोटर्स की गाड़ियों की सेल में बहुत वृद्धि आई है। जो जो नए प्रोडक्ट टाटा ने निकाले हैं और टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने एक कहते हैं कि पहल करी है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उस वजह से अब मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल से वो नंबर 3 पोजीशन पे हैं इंडिया में, और पिछले महीने उन्होंने हुंडई को ओवरटेक करके नंबर 2 पे भी आ गए थे। तो ये देखते हुए हम अपने कस्टमरों के और पास पहुँचना चाहते हैं। आज से 2 साल पहले अगर हम मेट्रो मोटर्स ग्रुप की बात करें, जो कि करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है कारों में, वो हमारे पास 4 सेटअप थे, और आज ये हम 13वां सेटअप अपना खोल रहे हैं, सिर्फ इसी मकसद पे कि कस्टमर को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े टाटा की गाड़ियाँ खरीदने के लिए। इससे पहले अम्बाला सिटी में भी आपने जो है एक छोटा सेटअप बनाया? हाँ जी, तो ये अगर मैं अम्बाला की बात करूँ तो अब कैंट में, अम्बाला सिटी, साहा, नारायणगढ़, ये हमारे सेटअप संभाला के सारे लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा यमुनानगर में 2 सेटअप और करनाल में 4 सेटअप और कुरुक्षेत्र में 2 सेटअप और अवेलेबल हैं। बिल्कुल, जो है वो आज ये नया शोरूम खुला है। इसके साथ साथ ललित जी जो कि यहाँ पर GM है, ये बता रहे थे सर एक गाड़ी जो है वो भी लॉन्च की है। या हमने आज टियागो EV का लॉन्च किया है। हालांकि 3 महीने पहले टियागो की बुकिंग हमने स्टार्ट कर दी थी, बट जनवरी से अब जो है डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी और कस्टमर्स इन गाड़ी की डिलीवरी ले पाएंगे। बिल्कुल, तो ये ललित जी थे जो हमें बता रहे थे कि नई गाड़ी जो है वो भी लॉन्च किया है। और ये अंदर मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, चमचमाती जो है वो ये टियागो EV है जिसको आज लॉन्च किया गया है। इस EV में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ खास चीज़ें रहेंगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं चारों तरफ से चाहूँगा कि हम आपको ये टाटा टियागो की EV जो है वो ज़रूर जो है बताएं। EV का मतलब शायद इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और टाटा कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास रहेगा टाटा की इस EV में। सर, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? और प्रमांशु जी बताएं क्या कुछ खास रहेगा इस? सर, सब कुछ खास ही है गाड़ी में। ये इंडिया में पहली एंट्री लेवल हैचबैक है जो इलेक्ट्रिक में अवेलेबल है। इसका कोई कंपटीशन नहीं है अभी, और जो प्राइसिंग है इसकी वो 8.5 लाख से स्टार्ट होती है ना। इसमें हमने 2 बैटरी ऑप्शन दिए हैं अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये 19 किलोवाट और 24 किलोवाट की बैटरी ऑप्शन में अवेलेबल है, जिसकी रेंज आएगी जो 19 किलोवाट है वो 250 किलोमीटर और जो 24 किलोवाट है उसकी 315 किलोमीटर। 8.5 लाख काफ़ी किफ़ायती रेंज है, क्योंकि हम सुनने में आता था कि जो रेंजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, लेकिन 8.5 लाख जो हम कह सकते हैं कि मार्केट को कम्पीट करने के लिए काफ़ी अच्छी रेंज। जी सर, बिल्कुल अग्रेसिव प्राइसिंग है। और दूसरा, आपके हरियाणा में गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई है, जिसमें लोगों को इस पर 75% रोड टैक्स पर रिबेट मिलेगी, तो वो एक अच्छा बेनिफिट है। दूसरा सर, इसका एडवांटेज ये है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हैं तो 1.10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आती है ना, और इसमें सर्विस कॉस्ट ना के बराबर है बिकॉज मूविंग पार्ट नहीं है। एक कस्टमर लाइफ साइकिल की बात करूँ तो इस गाड़ी पे हम 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं, बैटरी और मोटर दोनों की, जो आपको एक पूरा लाइफ साइकिल कवर करती है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं सब्सिडी है जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम? सर, सब्सिडी नहीं है इसमें, बिकॉज वो 15 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट, बट रोड टैक्स में आपको रिबेट मिलेगा।
रोड टैक्स में 75% जो है वो रिबेट है। हाँ, जो अभी 8% लगता है तो 8% का आपको 75% ऑफ हो जाएगा, तो बेसिकली आपको 25% ही देना है। बिल्कुल, तो ये नई टाटा की टियागो ईवी है, 8.5 लाख रुपए की टाटा टियागो की ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ये कहीं ना कहीं मार्केट में धूम मचाने वाला जरूर है, क्योंकि हैचबैक में कहीं ना कहीं पहली ये गाड़ी है। अगर मैं इस गाड़ी के फीचर्स की बात करूं तो अंदर से आप देख सकते हैं गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी जानदार हैं। स्टेयरिंग पे आप देख सकते हैं, ये स्टेयरिंग पे ही सभी तरह के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं, भले ही वॉल्यूम कंट्रोल हैं, भले ही दूसरे कंट्रोल हैं, इसके साथ साथ जो है टच स्क्रीन जो है वो दिए गए हैं। अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो चारों जो दरवाजे हैं उन पर आप देख सकते हैं कि चारों दरवाजों पर जो है वो स्पीकर्स दिए गए हैं। और अगर हम इसके गियर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गोला जो है वो गियर्स चेंज करने के लिए दिया गया है। अक्सर जो है बड़ी रेंज की महंगी गाड़ियों के अंदर इस तरीके का सिस्टम दिया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा जो है वो दिया गया है। इसके अलावा सीट कवर्स में अगर आप देखें ध्यान से तो सीट कवर के अंदर ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये होल्स नहीं है, ये एयर कंडीशनिंग है। अगर आप अगली सीट्स पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनमें से भी ठंडी हवा निकल करके सामने आएगी। और ऐसे ही पिछली जो सीट्स हैं अगर मैं आपको बात करूं तो काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि पिछली सीट्स जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसके साथ साथ अगर आप पीछे देखें तो पीछे भी स्पेस जो है वो भी अच्छा स्पेस है। और साथ साथ ये चार्जिंग यूनिट जो है ये हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए ये चार्जिंग यूनिट है, यानी कि आप कहीं पर भी एक नॉर्मल प्लग से अपनी इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये टाटा टियागो की ईवी कार है जिसको आज लॉन्च किया गया है, और कितनी ये बिकेगी, क्या इसका रिस्पांस रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्योंकि इसकी कीमत जो है वो सिर्फ 8.5 लाख रुपए है, तो हम उम्मीद करते हैं कि टाटा की ये गाड़ी, जिसे वैसे भी मजबूती का स्तंभ माना जाता है, कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर डाउनलोड कीजिए।